नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। देख लेते हैं आज की खास खबरें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर जहां पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, वहीं भाजपा के कार्यकर्ता इस सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज पकौड़े तलकर विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पहले बेरोजगारी के मामले को लेकर पैदल मार्च किया, उसके बाद जिला मुख्यालय नौगढ़ के मुख्य सिद्धार्थ तिराहे पर एक ठेले पर पकोड़े तलकर बेचते नजर आए। इस दौरान भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष काजी सुहेल ने बताया कि भाजपा इस सप्ताह को लेकर सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, लेकिन हमने आज के दिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। देश में बेरोजगारी चरम पर है, यह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने की बात कह रहे हैं। 2014 में कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किए थे, लेकिन इसके ठीक उलट 2-3 करोड़ लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। इसलिए आज हमने सरकार को जगाने के लिए पकौड़े तले, जिससे उन्हें इस देश के युवाओं की समस्या समझ आ सके। आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी के लोग सेवा सप्ताह के रूप में लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। तो आज उनके जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस के लोगों ने और पूरे देश के बेरोजगार युवाओं ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम कांग्रेस के लोग तमाम, आप देख सकते हैं, तमाम सैकड़ों बेरोजगार नौजवान यहाँ खड़े हैं। हमने आज इस सरकार में नौकरियाँ नहीं, पिछले दिनों आपने देखा प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने कह दिया कि अब उत्तर प्रदेश में कोई नौकरी नहीं निकलेगी, संविदा पे चोरी से नियुक्ति हो जाएगी, नौकरियां खत्म कर रहे हैं। मोदी योगी जी कह रहे हैं 50 साल से ऊपर के सभी सरकारी कर्मचारियों को हम जबरन रिटायर करेंगे। 50 साल की उम्र के बाद व्यक्ति की सरकारी कामकाज करने वाले लोगों की या बिजनेस करने वाले लोगों की जवाबदेही और जिम्मेदारी तब 50 के बाद बढ़ती है, उस वक्त आप कहते हैं हम इनको जबरन रिटायर कर देंगे। आज मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हमारी सरकार बनी तो हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज साढ़े सात साल हो गया, 2 करोड़ नौकरियां तो हर साल नहीं दे पाए, लेकिन हर साल 2-3 करोड़ नौकरियां इन्होंने खत्म की है। तो आज इस सरकार को जगाने के लिए और चेतावनी देने के लिए कि आज तो बेरोजगार युवा, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर पकौड़े चल रहा है, बूट पॉलिश कर रहा है, लेकिन अगर आपने युवाओं को रोजगार नहीं मुहैया कराया तो जिस दिन ये नौजवान सड़कों पर उतर पड़ा और एक सैलाब आ जाएगा पूरे देश में, आप उस सैलाब को रोक नहीं पाएंगे। ये नौजवान सड़कों पर उतरकर केंद्र और भारतीय जनता और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। इस देश में, इस प्रदेश में तब रोजगार आएगा जब हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जिस दिन कांग्रेस की सरकार आई, देश के नौजवानों को रोजगार मिलने लगेगा। उसी सरकार को जगाने के उद्देश्य से आज हमने यहाँ पकौड़ा तला और उसको बेचने का काम किया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।